हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो क्लास 10th प्लस 1 प्लस 2 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्स में पूछी जाती है ये रिएक्शन। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से, और उस लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह पे खुद लग जाता है। तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी, दोज रिएक्शन इन विच वन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड आर नोन एज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे ये रिएक्शन दी हुई है, इससे हम समझेंगे Fe प्लस CuSO4। CuSO4 क्या है, कंपाउंड है। जैसे मैंने यहाँ डेफिनेशन में बताया है, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड, ठीक है। तो ये कंपाउंड है, Fe क्या है, आयरन है। जब आयरन की रिएक्शन करवाई CuSO4 के साथ, तो आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है किससे, कॉपर से। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो इसके कंपाउंड, जो ये कंपाउंड था, इसमें से इस लेस रिएक्टिव एलिमेंट Cu को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे खुद लग जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, FeSO4 प्लस Cu। तो इसकी एक एक्टिविटी है जो मैं आपको करवाऊंगी। एक्टिविटी में क्या करना है कि ये कैसे डिस्प्लेस होगा, क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लेनी है, आयरन की दो नेल्स लेनी है, कील लेनी है आयरन की। जैसे ये डाली है हमने दो, ठीक है। तो इसने क्या किया है कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या लिया है, CuSO4 सॉल्यूशन लिया है, CuSO4 सॉल्यूशन, जिसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब तो ऐसी लेनी है जिसमें हमने कील नहीं डाली है, ओके। और एक टेस्ट ट्यूब ऐसी है जिसमें क्या किया गया है, उस कील को CuSO4 में डाला गया है। कुछ टाइम के बाद जब हम देखते हैं रिएक्शन होने के बाद, तो क्या होता है, जो कील इस सॉल्यूशन में डाली थी हमने CuSO4 सॉल्यूशन में, उसका कलर कैसा हो गया, ब्राउनिश कलर हो गया है, ठीक है। ये ब्राउनिश कलर क्यों हुआ है, जो CuSO4 का सॉल्यूशन का कलर था वो तो चेंज होके फेड हो गया, मतलब वो तो ग्रीनिश कलर बन गया, बट जो नेल्स थी आयरन की, इसका कलर कैसा हो गया, ब्राउन हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, ऐसा क्यों होता है, क्यों होगा, क्योंकि जो आयरन की नेल्स थी इसके ऊपर तो कॉपर जो मेटल है वो डिपॉजिट हो गई, उसका पाउडर डिपॉजिट हो गया, तो इसलिए इसका ब्राउनिश कलर हुआ है, ठीक है। बट जो ये सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में क्या मिल गया है, आयरन मिल गया है, FeSO4 सॉल्यूशन बन गया है, FeSO4 सॉल्यूशन बना है, तो इसलिए इसका कलर कैसा हो गया है, फेड होके ग्रीनिश कलर आया है, ठीक है। तो आप क्या आंसर दोगे, क्योंकि रिएक्शन होने के बाद, जब ये रिएक्शन होती है किसमें, आयरन और CuSO4 में, तब जाके क्या होता है, ये Fe तो सॉल्यूशन में होगा यहाँ पे, तभी जाके इसका ग्रीनिश कलर बनेगा, और जो कॉपर था यहाँ पे लेस रिएक्टिव था, ये आयरन नेल्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन आयरन रिएक्ट विद CuSO4 देन चेंज इन इट्स कलर ऑफ सॉल्यूशन। देखो, जो ये सॉल्यूशन था CuSO4 का, ये चेंज हो जाएगा ब्लू टू ग्रीनिश कलर बन जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आयरन लग गया है SO4 के साथ। तो सेकंड इसकी जो रिएक्शन है वो क्या है, जिंक प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu, ये कैसे बनी है, इसका भी सेम वही रीजन है कि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस क्यों किया है, क्योंकि जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। ये लेस रिएक्टिव था कॉपर, तो लेस, मैंने ये बताया कि जो मेटल लेस रिएक्टिव होगी वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट उसको डिस्प्लेस कर देगा, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो कॉपर का सॉल्यूशन कैसा होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, बट जैसे ही जिंक इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसका ये ब्लू कलर चेंज हो जाए, कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा ZnSO4 और Cu, कॉपर इसमें अलग होगा, ठीक है। ऐसे ही जब लेड की रिएक्शन करवाएंगे हम कॉपर क्लोराइड के साथ, ये जो रिएक्शन मैं करवा रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं, कैसे होंगे, व्हाट हैपन व्हेन लेड रिएक्ट विद कॉपर क्लोराइड एंड इफेक्ट इन कलर ऑफ सॉल्यूशन। देखो, जब लेड कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, लेड क्लोराइड बनाएगा, और लेड क्लोराइड कैसा होता है, कलरलेस होगा, ओके। और जो कॉपर है इसके टॉप के ऊपर ब्राउनिश लेयर बनेगी, वो किसकी वजह से बनेगी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर, ठीक है। तो अब देखो, हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है कि हम ऐसे कैसे पता लगाएंगे कौन सी मेटल, कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये सीरीज याद करनी पड़ेगी। अगर आप इसकी, इस सीरीज को याद करने की ट्रिक को जानना चाहते हो, तो मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, उसमें आपको इससे रिलेटेड ट्रिक मिलेगी, वहाँ से देखना।
देखो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, लिथियम, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी और सिल्वर, गोल्ड, ये है। तो ये इसकी क्या है, एक रिएक्टिविटी सीरीज है, जिसका क्या मतलब होता है, जो ये टॉप में जो ये एलिमेंट्स है ये होते हैं मोर रिएक्टिव, ठीक है, और जो ये लास्ट में ये होते हैं लिस्ट रिएक्टिव। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे हम टॉप टू डाउन आते हैं, टॉप टू डाउन आते हैं तो क्या है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है एलिमेंट की। जैसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि जो पोटासियम है, पोटासियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है इन इस पोटासियम के नीचे वाले सभी एलिमेंट से, ठीक है। तो जैसे ऊपर मैंने एक रिएक्शन करवाई थी आयरन प्लस CuSO4, तो अब यहाँ पे देखो Fe ऊपर है ना कॉपर से, तो Fe की रिएक्टिविटी ज़्यादा है कॉपर से, इसीलिए आयरन Fe ने डिस्प्लेस कर दिया है कॉपर को यहाँ से, ओके। ऐसे ही देखो सेकेंड रिएक्शन क्या थी, जिंक प्लस CuSO4 है, तो जिंक कहाँ पे है, जिंक यहाँ है, जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है कॉपर से और लेड की रिएक्टिविटी भी ज़्यादा है कॉपर से, इसीलिए इन्हें क्या किया है, जिंक और लेड ने डिस्प्लेस किया है कॉपर को, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, कॉपर को डिस्प्लेस कर सकते हैं इसके कंपाउंड से। उम्मीद है कि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आई होगी। मैंने यहाँ आपको बताया ये क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्या क्वेश्चन अराइज होंगे यहाँ से, कि जब आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करवाई जाती है तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, तो कॉपर सल्फेट जो इसका कलर ब्लू था ये ब्लू से ग्रीनिश बन जाता है, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन, क्योंकि आयरन लग जाएगा किसके साथ, SO4 के साथ, ठीक है। और आयरन की जो नेल्स थी उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर ब्राउनिश पाउडर जमा हो जाएगा, वो किसकी वजह से होगा, कॉपर की वजह से, ठीक है। और जब जिंक और लेड रिएक्ट करते हैं तो इनका जो सॉल्यूशन था, जिंक जब रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ तो इसका जो कलर था ब्लू कलर से कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।